जिन्ने भी मेरे को मरीज आते हैं उन्होंने चौधे अखा ही होंगे है। तो अखा तो अजकल मोर दैन 90% लोगों दी खराब हो चुकी हैं। पुराने जमाने तो यह होंदा सीगा भी वड्डी उम्र जाके किते अखा की निगाह घटदी है। तो अजकल तो निके निके जवाकों दी ऐनकां लगियां पईयां, लेंज पए वे, ऑपरेशन होई जांदे, फिर भी कुछ ठीक नहीं होंदा। अजकल जे अंग्रेजी इलाज की गल करिए तो सब तो सौखा इलाज तो जिहड़ा अजकल चल रहा है ऐनक ला दिंदे आ। ऐनक नाल कोई बीमारी रुकती तो है नहीं। ऐनक नाल इन्ना भी कुछ महीने बंदे नूं उस ऐनक नाल नकली ऐनक नाल दिसदा रहिंदा है, बीमारी दिनों दिन वधदी जांदी है। अजकल दे आई वाल ही खराब है, अखां नहीं खड़दियां। टीर किन्ने है, भेंगा बंदपण किन्ना है। किसी नूं दो दींदे है, किसी नूं चिट्टे रंग चों ही लाल हरा दींदा, कलर ब्लाइंडनेस होई जांदी है। कई बंदा उल्ट दीदा है, मैं बैठा सीधा वो कहो ये पुट्ठा लमकी जाता है। ये अनेक ही अखां दी बीमारियां ने। घट्टो घट्ट 2 फुट या 2.5 फुट की बिथ से चीज़ होवे जिहड़ी असीं देखनी है आम हालतां च। अजकल देख लो मोबाइल किन्नी फुट ते रखदे, फिर मोबाइल दीयां किरणां किन्नियां तेज हुंदियां, इन्नियां रेडिएशन हुंदियां तो अखां का सत्यानाश कर दिया, दिमाग का सत्यानाश कर दिया। तो आप दिन रात बच्चे खेडदे उहदे नाल। कोई भी बंदा ऑपरेशन करता अखां वाला डॉक्टर तो उदों बाद आप राय दिने लै भी ये पट्टियां रख दो हरे रंग च। तो जे आप वैसे ही सारी उम्र अखां नूं तंदुरुस्त रखना है जां बीमार हो गए उन्होंने ठीक करना है तो हर वेले आसे पासे की हरियावल बल नूं देखो। इहदे च पानी पा लो, ना गर्म ना ठंडा, इन्हां दोनों नूं इस तरह अखां दे विच डुबो लो। हुण मेरी अखां च पूरियां डुब्बियां होण, हुण मैं आपदी अख नूं आराम नाल खोलूँगा, आराम नाल बंद करूँगा। 3 मिनट मैं सिर्फ इस तरह करना है, ऐं खोलूँ ऐं बंद कर लूँ। जोर ला के ऐं बंद नहीं करनियां, जोर ला के ऐं खोलणियां नहीं। पता नहीं मेरी अखां थोड़ी फोकसिंग है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल अख नूं आए बंद करो आए खोलो, इहदे विच 3 मिनट वास्ते। सिर्फ 3 मिनट के नाल ही अगर तुसी डेली 4 महीने कर लो थोड़ी ऐनक उतर जूगी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ नवरीत सिविया ते तुसी जुड़े होए हो अखर दे नाल। कहते अखां गईयां तां जहान गया, किसी ने सोच समझ की क्या होना, पर अज असी कोशिश करांगे कि तुहाडा जहान आ जिहड़ा वो ना जावे। वैसे तो जिन्ने अजकल मोबाइल कंप्यूटरां दे उत्ते आपां बैठे रहने हैं, ये सारा काम तो उस पासे वाले जांदा है। चलो पर आपां फिर भी कुछ इहो जी गल लभण की कोशिश करगे, समझण की कोशिश करगे कि जे बचा हो जे। मेरे नाल डॉक्टर गुरमेल सिंह विर्क ने ਜਿਹੜੇ पंजाब नेचुरोपैथी सेंटर ਪਧੌੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਡੈਸਕਟਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? जिन्ने मरीज आते हैं उस अद्धे अखां नूं गिण लो, यानी 50% जिन्ने भी मेरे को मरीज आते हैं उन्होंने अद्धे अखां वाले ही होंगे है। तो अखां तो अजकल मोर दैन 90% लोगों दी खराब हो चुकी हैं। पुराने जमाने तो यह होंदा सीगा भी वड्डी उम्र जाके किते अखां की निगाह घटदी है। तो अजकल तो निके निके जवाकों दी ऐनकां लगियां पईयां, लेंज पए वे, ऑपरेशन होई जांदे, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुंदा। इस करके अखां दी बीमारी काफ़ी ज़्यादा है जी। नहीं बीमारी हाँ बिल्कुल ज़्यादा, कारण आही है जी। फिर आह लैपटॉप वगैरह तो आह जिहड़ा कह लो भी मोबाइल वगैरह, कि कोई खुराक का भी रोल हैगा? खुराक भी माड़ी है जे तां बीमारी दी गिणती करिए, बीमारियां तां हज़ारां ही हैं। कोई छोटियां कोई वड्डियां। तो अनेक तरह दी बीमारियां किसी को टीर हो गया, किसी को चिट्टा मोतिया हो गया, किसी को काला मोतिया हो गया, किसी को पिछों कुछ दिंदा नहीं, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गई। ठीक ने तो ये अनेक अड्डो अड्डी साढ़े अंग्रेजी इलाज के नौ है। पर अजकल जी समस्या ज़्यादा आ रही है कॉमन वो है कि बचपन तो ही निगाह जी अपनी घटनी शुरू हो गई है। कईयों को अंधराता हो जाता है, इस करके ज़्यादातर मोटा या एक ही गल मान लो भी अजकल जी अखा की निगाह ये बचपन तो ही बच्चों को घटनी शुरू हो गई। छोटी उम्र च ऐनकां लगन लग गई। साढ़े वेले तो 70-80 साल की बाद तो ऐनक लगती होंदी सी। तो अजकल जो अंग्रेजी इलाज की गल करिए तो सब तो सौखा इलाज तो जो अजकल चल रहा है ऐनक ला देंदे है। ऐनक नाल कोई बीमारी रुकती तो है नहीं। ऐनक नाल इन्ना भी कुछ महीने बंदे नूं उस ऐनक नाल नकली ऐनक नाल दिसदा रहिंदा है, बीमारी दिनों दिन वधदी जांदी है। फिर असीं डॉक्टर कोले जांदे आ, फिर नंबर वध जूगा और अखीर दे विच नंबर वधाउण नूं जगह नहीं हुंदी। असीं कहने भी लेंज ला दिंदे आ, अखां दे विच लेंज पा जांदे आ, उहदे नाल भी कुछ साल निकल जांदे आ। फिर असीं कहने भी हुण तां इहदा काम खराब हो गया, अखां दे विच टीका ला देने उहदे नाल भी कुछ साल निकलते हैं। फिर असीं कहने भाई कोई हल नहीं, इन्हें हुण नहीं अन्ना होना है, होर तो कोई हल है नहीं। अजकल का इलाज प्रणाली है। हुण अगला तुहाडा सवाल है तो पुछ लो की है जी। अच्छा आ मतलब तुसीं कह रहे हो भी इहदे हल हुंदे आ एलोपैथी मतलब? हाँ यही हल है, टैंपरेरी हल है। कुछ समय लिए बंदे नूं कुछ समय लिए ऐनक बदला लो, वो नहीं हुंदा लेंज पवा लो, लेंज नहीं हुंदा टीका लवा लो। इस तो बाद फिर कोई हल है नहीं, जां डेला बदला लो, होर तो कुछ है नहीं जी। जाने हो जाओ डेला बदला लो। क्या शब्द बहुत सोहना चक्या अपने आई वाल कहते हैं ना अजकल तो आई वाल ही खराब है, अखें नहीं खड़दियां। टीर किन्ने है, भेंगा बंदपन किन्ना है, किसी को दो दींदे है, किसी को चिट्टे रंग चो ही लाल हरा दीदा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। कईयों को बंदा उल्ट दीदा है, मैं बैठा सीधा वो कहूगा पुट्ठा लमकी जाता है। ये अनेक ही अखां दी बीमारियां ने। कारण की है ये? कारण तो इसके बहुत ही ज़्यादा है। आम भाषा च जे असीं एलोपैथी इलाज की गल करिए असीं कहांगे जी जां तां कहांगे जमांदरू है जी, जां कहेंगे जी इहनूं पिछों ही दिसणों हट गया। पिछों का मतलब ये दिमाग दीआं नाड़ां जिहड़ियां अखां दीआं नाड़ां हुंदियां असीं ऑप्टिक नर्व कहने, ये दिमाग तो शुरू हुंदियां। ते दिमाग दे उस हिस्से च किसी नूं ट्यूमर है, किसी नूं सोज है, किसी नूं रसौली है। ते असीं कहने जी इहनूं पिछों ही नुक्स आ गया। तो हुण दिमाग दे विच अनेक तरह दीआं रसौलियां, ट्यूमर है, अनेक तरह दीआं बीमारियां। किसी नूं दिमाग दी टीवी है, किसी नूं कैंसर है, कुछ है वो वखरा कारण हुंदा हैगा। तो किसी दिन अखां दे विच आपां कहने काला मोतिया हो गया जी, किसी को कहने चिट्टा मोतिया हो गया, किसी को कहने भी इन्हों अधरंग है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस। अनेक तरह के विग्यानक पक्षों कारण निकल जाते हैं। खून के टैसट कराए जाते हैं। तो किसी को दिमाग का कैंसर होंदा है, उस भी अखां ते पै गई, किसी को अखां दे कैंसर हो जाता है। तो जे तां अंग्रेजी इलाज दी गल करांगे तो यह कैमिकली नौ तो जिस तरह का कोई नुकस हुंदा असीं उहदा नौ लै दिंदे हैं। तो इलाज सूँ मैं दस ही दिता। अंग्रेजी इलाज तो जां अखां च ड्रॉप पा लो, जां ऐनकां लवा लो, जां भाई लेंज पवा लो, तो जां ऑपरेशन करा लो जी। पर ज़्यादातर कारण की हुंदा? ठीक है तुसीं कह रहे हो मोतिया भी उहदा कारण है, होर भी बहुत सारिया चीज़ां। लाइफ स्टाइल भी जिहड़ा मेन कारण है, इसदा 100% कारण लाइफ स्टाइल नूं मंनदे आ। एक तो देखो अखां नूं तंदुरुस्त रहण वास्ते लहू की लोड़ हुंदी है। तो लहू भी वो जिहड़ा शुद्ध होवे। ते अजकल अपनी खुराक यही जी है कि जिहड़ी भी निगाह वास्ते सानू लहू च तत्त चाहिए वो अजकल दी साडी खुराक च है ही नहीं है। नकली खुराकां खाने हैं, उहदे बारे तुहानू कई बारी लैक्चर दिता मेरा भी कुदरती भोजन खाने। विटामिन ए की घाट है, वो भी देख लो। सारी रात सारा दिन आपां हनेरा च रहिंदे आ, चानण करदे नहीं, खुराकां माड़ियां हुंदियां। दूसरा कारण हुंदा इहदी वरतों गलत करनी अखां दी। एक तो आम तौर पर असीं कहने भी 6 फुट की दूरी तो नेड़े ना देखो, जिहड़ा आम जनरल गल आपां करदे हुंदे। तो नहीं असी कहने भी घट्टो घट्ट 2 फुट या 2.5 फुट की विथ से चीज़ होवे जिहड़ी असी देखनी है आम हालतां च। ते अजकल देख लो मोबाइल किन्नी फुट ते रखते हैं, फिर मोबाइल दीआं किरणां किन्नियां तेज़ हुंदियां, इन्नियां रेडिएशन हुंदियां ते अखां दा सत्यानाश करदियां, दिमाग दा सत्यानाश करदियां ते आपां दिन रात बच्चे खेडदे उहदे नाल। तीजा कारण हुंदा साउंड। हुण जिहड़ी आपां कन्नां दे विच मोबाइल ला लिया ते उहदी साउंड दा असर जिथे कन्नां ते पैना उत्थे दिमाग ते पैना, दिमाग दा असर अखां ते। अजकल अपना रिवाज है बैठ के तां पढ़ना ही नहीं, सरहणा ला के पढ़दे आं पए पए चंगे भले दी अखां दा सत्यानाश। हाँ उधरों पैन वेले सराहना उच्चा ले लिया, धौन नूं ऐ कर लिया, खून की सप्लाई अखां नूं भी घट गई। फिर जे बैठ के भी पढ़ना है तो बहुत नीवी पा के, जे बच्चों ने कोई लिखा पढ़ी भी करनी है तो ऐ करके नेड़े हो के लिखते हैं आप। फिर ये अखां की गलत वरतों हो गई जी। फिर हाँ जी हाँ तुसीं हाँ पूरी कर लो। देखो गलत खुराक, गलत अखां दी वरतों जिहड़ियां तुहानूं मैं दस्सिया, ठीक है। तीसरा हुंदा रात नूं टाइम ते सौना हुंदा ते अजकल दे नौजवान मुंडे कुड़ियां पैंदे लेट है ते जदों पैंदे आ उदों उच्चा सराहना करके पै जांदे आ तां कि दिमाग नूं अखां नूं खून ना जावे ते कोले आ लग्गिया हुंदा उधरों कन्नां दे विच। तां अखां नूं जिहड़ी रैस्ट चाहीदी ओह तां मिलदी तक नहीं है। ये सारे कारण ये हो गए। बाकी अजकल के नशे किन्ने चलते है, चाह पत्तियां वगैरह, ये सारे कारण अखां नूं अखां दी रोशनी चमक घटाउण वास्ते, बीमारियां नूं वधाउण वास्ते है। हुण आपां अगे थोड़े इहदे हल की हो सकदे आ, किवें बचा हो सकदा, कोई खुराक दे विच कोई तब्दीली किहड़ी करी जा सकदी है। असीं बहुत सारियां गल्लां सुणियां सी भी तड़के उठ के यार घाह ते तुरो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क पै जाता, तड़के उठ के सैर करो ਇਹਦੇ ਨਾਲ फर्क ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ फर्क ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਤੜਕੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो जो आप नंगे पैरी उत्ते तुरांगे तो अखां दियां नाड़ां भी उस दबियां जांदियां, जिहदे नाल अपनी वर्जिश हो जाती है। अजकल तुरना फिरना देख लो अपना किन्ना क है। बाकी अखां वास्ते हुंदा भी जिन्ना हरे रंग वाल देखांगे उन्ना ज़्यादा फायदा हुंदा है। अपने सूरज दी धुप्प च 7 रंग हुंदे आ, उह चों इक हरा रंग इहो जिहा हुंदा जिहदे च सारी शक्ति सारी रोशनी दी होगी। कोई भी बंदा ऑपरेशन करता अखां दा डॉक्टर तो उदों बाद आपां राय दिने लै वी इहदे पट्टियां रख दो हरे रंग च। ते जे आपां वैसी सारी उमर अखां नूं तंदुरुस्त रखना है जां बीमार हो गए उहनूं ठीक करना है तां हर वेले आसे पासे दी हरियावल वल नूं देखो। कुदरती हरियावल जिहड़ी है ना, हरियावल उस घाह ते तुरन दा इही मकसद हुंदा है भी इक तां जदों घाह ते तुरदे आ ओहदी तसीर ठंडी हुंदी है, नरम हुंदी है। दूसरा जो निगाह पो घाती पो हरे रंग च, उहदे नाल अखां दी बहुत मजबूती हुंदी हैगी। दूसरा कोई भी हरा पत्ता लैके उहनूं अखां ते रख लो, कोई भी हरा पत्ता लैके उहनूं अखां ते रख के सूरज वाल देखण लग जाओ। सूरज नहीं है तो रात नूं, दिने तां आपां सूरज देखदे ही नहीं है, रात नूं बल्ब नूं देखना है। ते आप दी अखां दे उत्ते कोई हरा पत्ता रख लो, ज़्यादा असीं कहने भी केले का पत्ता वधिया हुंदा है। तो जोड़े भी कोई पत्ता वड्डा पिपल का बोहड़ का जिहड़ा कि अखां ते आ जाए उहदे ते रख के रोशनी वल नूं देखी चलो। बाकी विटामिन ए अजकल बहुत ज़्यादा घट है। ये नकली विटामिन ए खाण दी बजाय जिन्नियां भी अपने कोले हरियां सब्जियां सलाद फ्रूट है ये ज़्यादा खा लो। गाजरां दे वास्ते बहुत ही चंगियां, गाजरां दा तुसीं रोज़ गिलास अद्धा गिलास पी चलो, जिंदगी भर तुहाडीआं अखां नहीं खराब होणगीआं। आ नाले हुण सीजन भी आ गया, छिट्टा दिओ ते बीजे दा है ना। ते आपां खाने एलोपैथी दे विटामिन ए, ठीक है, वो एक नकली विटामिन ए हुंदा है, टैंपरेरी तौर ते फायदा हुंदा, उस तों बाद नुकसान हो जांदा है। गाजरां दे विच किन्ना आ गया, साग च किन्ना आ गया, धनिया भी पाल के पुदीना च किन्ना आ गया। अच्छा, साग बढ़िया जी ये निगाह नुगाह वास्ते पूरा कोई भी हरी सब्जी ते हरे पत्ते सारे शरीर वास्ते चंगे नहीं, स्पैशली अखां वास्ते बहुत चंगे होंगे। इन्हां रस कढ़ के पी लो। बाकी थुक अगे भी सोनों दस्या सी किसी इंटरव्यू शायद भी आपदा थुक लैके आए करके डेलियां दे उत्ते फेल होने नाल निगाह जिहड़ी है वो बदलण लग जाती है। कुछ एक्सरसाइजां होंदियां वो असी मरीज नूं सिखा दिंदे हां ते मरीज अखां दी उस तरह की एक्सरसाइज करदा ठीक हो जाता है। एक आ सिंपली भांडा है निक्का जिहा काच दा कि प्लास्टिक दा ही ये हर एक चीज़ दे मिल जाते होंगे। इसनू आई पॉट कहते हैं। ये पानी पा लो ना गर्म ना ठंडा, इन्हों दोनों इस तरह अखां दे विच डुबो लो। हुण मेरी अखां च पूरियां डुबियां होण, हुण मैं आपदी अख नूं आराम नाल खोलूँगा आराम नाल बंद करूँगा। 3 मिनट मैं सिर्फ इस तरह करना है, आए खोलूँ आए बंद कर लूँ, जोर ला के आए बंद नहीं करनिया, जोर ला के आए खोलनिया नहीं। पता नहीं मेरी अखां सोडी फोकसिंग है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल अख नूं आए बंद करो आए खोलो इहदे विच 3 मिनट वास्ते, सिर्फ 3 मिनट दे नाल ही अगर तुसी डेली 4 महीने कर लो सोडी ऐनक उतर जूगी। अच्छा इन्ना ही चीज़ है। उधरों खुराक शुद्ध कर लो, उधर सिंपली पानी घर के पानी होंगे। यह जो पॉट आम दुकानों तो मिल जाते हैं, आई पॉट कहते हैं। मतलब वाइन का निक्का जिहा गिलास, सॉरी मतलब सोडी सुर तो वाइन से असीं कहने शराब नूं बिल्कुल ना पीवो, क्योंकि अखां दा पानी सब तो ज़्यादा शराब ते चाह सोख लैंदी है। अखां चों पानी वो असीं हरेक दी बंद कराउने हां भी भाई चाह बंद कर दे ते आ वाइन बून बंद कर दे, पानी ते फ्रूट ज़्यादा पी, अखां दी एक्सरसाइज कर, हरियावल वाले झाक, पानी तड़के वेले नहाउण वेले आ अखां डोल। इस करके इहनूं आई वाश कहंदे आ भांडे दा नाम आई पॉट। अच्छा ये ना मार्केट 'च जिहड़े गिलास आपां जाने आ जदों शॉपिंग करन पए हुंदे आ उहनूं वाइन गिलास कहंदे आ। मैं तां शब्द वरत लिया नहीं, वाइन तां कहंदे आ क्योंकि अपनी अखां ही वाइन है। सुरत वाइन च है, ठीक है। अगर किसी ढंग ने ना मिले कोई भी भांडा ले लो, घरे चमचे जो होंदे वड्डे वड्डे उन्होंने भर को डबो लो, कड़छियां ले लो, ठीक है नहीं वो चखन डबो लो। किन्ने का जी सौदा ये बहुत तो बहुत 2 रुपये 3 रुपये 10 रुपये का होगा, और की है हाँ 20 लग जाना जे किसी की निगाह पूरी होंगी। एक कापी सारे टब्बर वास्ते बहुत है। हुण यही खरीद के तुसी घरे रख लो, तू कर ला, तेरी दादी चाचे ताए भावें फुफर घर वाली बच्चे सारे वरतो और सारी उम्र वास्ते अखां दी मौज। जिन्ना क तड़के सारे दिन च आपां गलत बैठ के गलत पढ़ के नुकसान किया टैलीविजन उन्ना किन्ने शांति दे देनी हैगी, नाले मन शांत रहूगा। 3 मिनट बद तो बद 3 मिनट, इदों वध नहीं। पानी ना गर्म ना ठंडा कोसा ये कर लो। फिर कुछ अखां दी एक्सरसाइजां होंदियां। वैसे तो हर बीमारी वास्ते असी बुला के उसका सारा चैकअप करके फिर इलाज शुरू करते हैं, तो फिर ही उसनों एक्सरसाइजा दसदे अलग अलग। एक होंगे कॉमन जिहड़ियां कि हर बीमार अखां वाला तो हर तंदुरुस्त अखां वाला कर सकता है, ठीक नहीं। एक तो उन्हें चाह दसता, तो एक सवेर वेले कोशिश करो भी सूरज वल झाको। मान लो मैं बैठ गया, वो मेरे सामने सूरज है तो मैं आपकी कैपेसिटी के मुताबिक बिना अखां नूं आया झमके उहदे वल देखी जाऊँगा। जो देखिया भी मेरी अखां चों पानी निकल लग गया, उदों मैं 1 मिनट वास्ते आए अखां आराम नाल बंद कर लूँगा। हुण बंद अखां च मेरी सुरत मेरी अखां ते रहनी चाहिदी है कि मैनूं हनेरे च की दिखदा है। अद्धा मिनट मैं रख लूँ फिर खोल लूँ। फिर खोली मेरी कोशिश हो कि मैं आपकी अख हलामा ना। इस तरह का अगर रात हर रोज़ 7 मिनट आप अभ्यास करिए, अपनी निगाह जिन्नी है उत्थे ही खड़ जूगी, उस तो वध नहीं घटूगी। और डेली अभ्यास करते जावांगे निगाह अपनी ठीक होंदी जाऊगी, ऐनक उतरती जाऊगी। काम की है सवेरे सूरज वल मूँह करके बैठना तो देखना और कुछ भी नहीं करना। पर रोज़ करो ना, एक अभ्यास होंदा है। दूसरा अभ्यास जिहदे नाल दिमाग वास्ते भी ठीक है, अखां वास्ते भी ठीक है। मैं हुण ऐ बैठा इक्के लखती मैं ऐ जिन्ना मेरा जोर है कुटूंगा। तीसरा हाँ अखां तुसीं कुट लियां, फिर मैं खोल लिया, फिर जोर दी कुटिया, फिर खोल लिया। इस तरह सिर्फ 13 बार कर लो, साढ़े 1.5 मिनट का अभ्यास है। उस तो बाद अगला अभ्यास होर करना है। अखां चाहते हो कि सारी उम्र ही ठीक रहन। जिथे मैं हम अखां बंद कीतियां सी, इह अभ्यास अखां नूं खोलना पूरा। इस तरह नहीं समझी समझी ये कर लो। एक होर अभ्यास भी हैगा भी अखां नूं क्लॉक वाइज घुमाउणा। देखो हुण मैं सामने झाक रहा, मेरे सामने टाइम पीस लग्या हुआ है, ठीक है, तो मैं उन्होंने घुमाउणा है। आ देखो ऐ घुमाऊंगा, टाइम पीस वांगू ऐ 10 बारी ऐ घुमा लिया, फिर उल्टा। सही है कि ना जोर लग गया ना, जोर तो की लगना। ये सारा कुछ करके हत्थां नूं रगड़ लो, इन्ना रगड़ो कि हथ सोडे गर्म हो जान। जो गर्म हो गए आ जड़ियां हथेलियां ये अखां दे डेलियां ते करके आए रख लो, ते अखां बंद करके बैठ जाओ। 3-4 मिनट का अभ्यास ये है। ले जे आही बंदा सुबह शाम करे, सूरज वाल मूँह करके कर ले, तो आ अखां इधर धो ले। अभ्यास जिन्ने के मैं सुने तो दिखाए ही कर ले, चाहे उसने सानू दिखाया चाहे नहीं दिखाया, ठीक है, चाहे उसदी अखां 100% ठीक है तो चाहे 90% खराब है। आ अभ्यास तो हर एक नूं कर लेने चाहिए। बाकी तो हरेक बंदे दी बीमारी, किसी नूं शूगर है, किसी नूं ब्लड प्रैशर है, किसी नूं गठिया है, किसी नूं साह दम है, कोई नशे डुबया हुआ, कोई गलत खुराकां नाल। उन्हां नूं फिर असीं देख के उहदे हिसाब नाल कुछ एक्सट्रा ट्रीटमेंट दस दिंदे भी आ कर लेना चाहिए जी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसीं कीमती जानकारी साझी कीती है। ओके छोटे वीर, पर तुसीं वीरवार वाला जिहड़ा ओह तुसीं हुण आप ही दस दो। बस किरपा यही है भी वीरवार नूं कोई भी भैण भरा आवे ना, असीं किसी नूं भी देखदे नहीं, कई बंदे आउंदे आ असीं मोड़ दिंदे आ ओह उदास हो के। दूसरा हौली हौली असीं टाइम चेंज करांगे। अज दी घड़ी यही है भी जिहड़ा बंदा भी 8 बजे तो पहला पहुँच जू सवेरे, उस नूं ही देखिया जांदा है। और कई बारी तो उन्होंने भी जवाब देता जांदा कि क्योंकि जे 8 बजे तो पहला कोई मरीज साडे कोले आए भी आ ज़्यादा, असीं उन्हें कहना भाई अज नंबर नहीं लगना, कल नूं देख ला। कई बंदे दूरों आउंदे आ, ओह कहंदे जी बड़ी मुश्किल है, असीं कहना अज रात इत्थे रह ला भाई, रोटी टुक मंजा बिस्तरा मिल जू, दूजे दिन असीं उन्हें पहला देख लैणे। पर तुसीं आपदी आवाज़ च ही लोकां नूं कह दो भी वीरवार नूं किरपा करके ना आउण, बाकी दिनां च भी सवेरे 8 बजे तो पहला आ जा करदे। लोक असीं तुहाडे कोले आउणे आ तां तुहाडी आवाज़ ही सुनना चाहुंदे आ, ते सारिआं ने इह गल सुन लई आ, सारिआं नूं पता लग ही गया होणा। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी सारिआं।